बात मुंबई की बारिश की और उससे हो रही दिक्कतों की, लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी खबर दे दें जो मुंबई के बोरीवली इलाके से आ रही है। मुंबई के बोरीवली पूर्व में भारी बारिश की वजह से 3 घर पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं। ये घटना रात को 10 बजे की बताई जा रही है। मौके पर दमकल और NDRF की टीम पहुंच चुकी है, उनकी तरफ से मलबा हटाने का काम जारी है। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी भी तरह की जान हानि नहीं हुई है। ये बोरीवली इलाका है, लगातार मुंबई में बारिश हो रही है और बारिश की वजह से 3 मकान 3 घर नेस्ता नाबूद हो गए, 3 घर गिर गए। इस वक्त मौके पर मौजूद है NDRF की टीम, दमकल की टीम जो मलबा हटाने का काम कर रही है। रात को 10 बजे की ये घटना बताई जा रही है। बोरीवली ईस्ट में ये घर पड़ते हैं जो बारिश की वजह से गिर गए। मेरा जो प्रभाग क्रमांक 5 का जो इलाका है, वहाँ पे शिव टिकड़ी करके एक ऊंचाई पे रहने वाले कोई लोग है, वहाँ के 3 जो घर है वो बारिश के कारण यहाँ पे अभी नीचे आ गए हैं। कोई भी जीवित हानि नहीं हुई है, भाग्य हमारा। और मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, पुलिस कर्मी यहाँ पे आकर के, और यहाँ के जो हमारे शिवसेना के सब कार्यकर्ता है, लोकल जो नागरिक है, सभी मदद करने के लिए यहाँ पे आए हुए, और थोड़ी देर में ही पूरी यहाँ पे राहत मिल सकती है। देखिए, तो ये गनीमत रही है कि कोई हताहत नहीं हुआ। कल भी बोरीवली इलाके में ही एक बिल्डिंग में दरार आ गई थी, जिसके बाद पूरी बिल्डिंग को खाली करवा दिया गया था। देखिए ABP न्यूज संवाददाता राजेश त्रिपाठी की ये रिपोर्ट। मुंबई के बोरीवली इलाके में आप देख सकते हैं कि ये पॉपुलर टेरिस बिल्डिंग है, और यहाँ पर सुबह इस बिल्डिंग का एक हिस्सा थोड़ा सा गिर गया था, और उसके बाद जो है यहाँ के लोगों ने जो है यहाँ के BMC को और इन्फॉर्म किया गया, और उसके बाद यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्हें जो है घर से जो है अभी बाहर कर दिया गया। इस इमारत को धोखादायक, मतलब खतरनाक घोषित किया गया। देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर ये बैरिकेडिंग लगा देंगे और पूरी इमारत जो है ये खाली करा दी गई। करीब 25 परिवार यहाँ पर रहते हैं और उन्हें जो है बाहर निकाल दिया गया, जिसे ये यहाँ पर ये लोग हैं। भाई साहब, क्या हुआ था और फिर उसके बाद क्या कार्रवाई की गई? अभी ये सुबह सुबह थोड़ा बिल्डिंग का आगे का हिस्सा गिरा और थोड़ा क्रैक बड़ा हो गया, तो हम लोग अपने आप ही सब लोग नीचे उतर गए। और जैसे नीचे उतर गए तो बाद में BMC फायर ब्रिगेड वाले आ गए, कहाँ से भी वो लोग ने पूरा से इसके सील कर दिया एरिया, और अब सबको बाहर अंदर जाने को नहीं दे रहे। तो बारिश ही वो मुख्य वजह है जिस वजह से इस बिल्डिंग में दरार आई। मुंबई में कल हुई मुसीबत की बारिश के बाद बीती रात भी बारिश होती रही है। आपको वडाला इलाके की दो तस्वीरें दिखाते हैं। वडाला के रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ है, वहीं वडाला स्टेशन पर भी पटरियां पानी में डूबी हुई है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं वडाला स्टेशन और वडाला के रिहायशी इलाकों की, जहां पर ये देखिए लोगों के पांव पानी में डूबे हुए हैं। पानी के बीच से गुजरने को लोग मजबूर हैं, गाड़ियां बीच में से गुजर रही हैं, सड़कों पर पानी भरा है। ऐसा लग रहा है कि सड़क नहीं तालाब है, चूंकि हम लगातार ये लाइन इसलिए बोलते हैं, ये लाइन लगातार आपको लगता है कि बार बार रिपीट होती है, क्योंकि हो रहा है ऐसा, ये दिख रहा है कि कोई नदी है, तालाब है। आज भी भारी बारिश का अलर्ट है वडाला के बाद। आपको दादर इलाके की तस्वीरें दिखाते हैं। दादर इलाके की तस्वीर भी कुछ अलग नहीं है, आफत की बारिश के आगे बेबस है मुंबई। मुंबई की हालत जरा देखिए आप दादर की इन तस्वीरों में, झमाझम बारिश में गाड़ियां किस तरह से आ जा रही हैं। तस्वीरों में आप देखिए रात भर बारिश मुंबई में होती रही और काफ़ी तेज़ बारिश इन तस्वीरों में हम देख रहे हैं, और आज भी तेज़ बारिश आने वाले 5 दिन मुंबई के लिए भारी रहेंगे। देश की आर्थिक राजधानी यूं ही पानी पानी रहेगी। तो मुंबई में कल दिनभर तो भारी बारिश की मार पड़ी ही, रात भी भारी बारिश होती रही। तस्वीरें आपको साइन इलाके की अब दिखाते हैं। पहले से ही इस इलाके में पानी भरा हुआ है और लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में हालात समझिए जरा क्या होंगे। स्थिति और बिगड़ने की आशंका है इस इलाके में। साइन इलाके की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर रात भी बारिश होती रही, कल दिन भर बारिश होती रही, पहले से ही हालात खराब है, आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। क्या होगा, बड़ा सवाल। साइन के बाद सांताक्रूज की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस इलाके की हालत भी बाकी इलाकों की तरह ही है, सड़कों पर जगह जगह पानी भरा हुआ है। सांताक्रूज वो इलाका है जहां पर VIP लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियों के घर सांताक्रूज इलाके में है, और यहां पर भी आफत की बारिश से मुसीबत,
साफ तौर पर देखी जा सकती है सड़कों पर, और रात की बारिश से ही पानी भरना शुरू हो गया है और आज दिन भर बारिश होगी, आने वाले 5 दिन तक बारिश होगी, तो क्या हाल होगा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बारे में कहा जाता है कि मुंबई रुकती नहीं लेकिन बारिश रोक जरूर देती है। और आइए सांताक्रूज के बाद मलाड की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। कल रात को मलाड में भी लगातार बारिश होती रही, मलाड इलाके में लिए चलते हैं आपको। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, SV रोड की तस्वीर है मलाड के ही, और इसके अलावा मलाड रेलवे सबवे की तस्वीर, वेस्टर्न एक्सप्रेस वे सबवे की तस्वीर आप देख रहे हैं। सबवे पे आप देख रहे हैं पूरा पानी भरा हुआ है, ऑटो के टायर तक नज़र नहीं आ रहे, गाड़ियों के टायर पानी के अंदर डूबे हुए हैं। ये 3 तस्वीरें मलाड की, रात भर तेज़ बारिश की वजह से जल जमाव हुआ। पहले ही दिन में बारिश हो रही थी, जल जमाव की समस्या तो पहले से ही थी, लेकिन और बारिश की वजह से पानी ज़्यादा भर गया मलाड की सड़कों पर। तब तक मुंबई ऐसे ही रोती रहेगी बारिश से। और मुंबई में लगातार हो रही बारिश के बाद मुंबई पानी पानी हो गई है, लगातार हो रही है बारिश, सड़कें समंदर बन गई है, और लगातार हो रही बारिश की वजह से मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली तुलसी लेक कल ओवरफ्लो हो गई। ये तुलसी लेक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और यहीं से ही कहा जाता है कि मुंबई को पीने का पानी मिलता है। देखिए मुंबई के लिए पानी तो है कि बहुत अच्छी खबर है कि लेक के अंदर लेक भी ओवरफ्लो कर रहा है, यानी कि मुंबई को आने वाले दिनों में पानी की कोई किल्लत नहीं होगी, इससे संदेशा ये साफ जाता है। लेकिन इस बारिश की वजह से मुंबई वालों की मुसीबत बढ़ गई है। पीने के पानी का समाधान तो हो गया लेकिन बारिश की वजह से सड़कों पर जल जमाव की समस्या, वो मुंबई जो कभी रुकती नहीं, जो कभी थमती नहीं, उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई है। तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की अलग अलग तस्वीरें आपने देखी, आई अब आपको गुजरात लिए चलते हैं। दक्षिणी गुजरात में भी बारिश की जोरदार मार पड़ रही है। गुजरात के अमरेली की तस्वीरें आई अब आपको दिखाते हैं। अमरेली जिले की वानकिया बाबापुर और साजिया वदर समेत कई इलाकों पर 4 से 6 इंच बारिश दर्ज की गई है। गुजरात के अमरेली की ये तस्वीरें, बारिश झमाझम हो रही है, मूसलाधार बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में पानी, और जो आस पास से गुजरने वाली नदियां हैं वो भी उफान पर हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अमरेली की, जहां नजर जाएगी पानी पानी, सड़कों पर पानी, हाईवे पर पानी, हर तरफ पानी ही पानी। तो गुजरात के भी कई जिले प्रभावित हुए हैं भारी बारिश की वजह से। दक्षिणी गुजरात में भारी बारिश हो रही है और आने वाले दिनों में भी भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से। अमरेली की बात आइए वलसाड़ लिए चलते हैं आपको। वलसाड़ इलाके में भी लगातार भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वलसाड़ के कई इलाकों में तो घरों में पानी घुस चुका है, बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ये देखिए घरों के अंदर पानी, लोग किस तरह से रह रहे होंगे इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये रिहायशी इलाका, ये देखिए घर के अंदर कमरों के अंदर पानी, किस तरह से अपना सामान लोग बचाने के लिए बेड पर सामान रखा हुआ है। ये घर के अंदर जो वाहन खड़े हैं, अब लोग इस हालात में कैसे रह रहे होंगे इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। तस्वीरें साफ बता रही हैं कि बाढ़ जैसे हालात हैं, दिक्कतें लोगों के लिए बढ़ गई हैं, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोग काम पर नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल में भी पानी है, घर में भी पानी है, ऐसे में लोग जाएं तो जाएं कहां। लगातार हो रही बारिश पर मौसम वैज्ञानिकों का क्या कहना है वो जरूर सुनिए आप। सिचुएशन जो ऐसे बन रहा है कि अगले 5 दिनों में हमारे स्टेट के लिए एक फेवरेबल सिचुएशन बन रहा है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 के 5 दिनों में अच्छा बारिश होगा, एक्सेप्ट कच्छ। कच्छ में day 4 एंड day 5 में स्कैटर्ड, मतलब हेवी टू व्हाट यू कॉल इट, दिस मॉडरेट रेनफॉल एट ए फ्यू प्लेसेस में मिलेगा, बाकी सब जगह में जो है योर लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एट मेनी प्लेसेस में मिलेगा, समटाइम्स एट मोस्ट प्लेसेस में भी। सो
सो दिस विल बी द सिनेरियो एंड ऑल 5 डेज में हमने हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया हुआ है। इसका कारण यही है, गुजरात एरिया में एक ऊपरी हवा में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है और ओडिशा में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था वह अभी छत्तीसगढ़ और पड़ोस प्रदेश में है। तो ये दोनों सर्कुलेशन की वजह से हेवी रेनफॉल हो रहा है। कोंकण गोवा में अगले 5 दिनों में यही हाल होगा, एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल एक और दो जगह होगा और मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा में 2 दिन सभी जगह बारिश होगा, उसके बाद बारिश में कमी रहेगा लेकिन कोंकण गोवा इंक्लूडिंग मुंबई बारिश रहेगा। तो यानी कि 5 दिन तो भारी बारिश मुंबई में रहेगी, उसके बाद जाकर मुंबई वालों को राहत मिल पाएगी। आने वाले 5 दिन भारी है मुंबई पर। ये है ABP News, आपको रखे आगे।